Welcome to GDC classes. Now I'm here with the important questions which has come in GPAT 2016. So let's begin with today's session. Question number one here. Why acetyl chloride undergoes nucleophilic substitution at a faster rate than methyl acetate? तो मिथाइल एसीटेट क्या है और एसिटाइल क्लोराइड क्या है पहले वो समझ लेंगे। एसिटाइल क्लोराइड सीधा सीधा सा आपका CH3COCl है और मिथाइल एसीटेट क्या है, मिथाइल एसीटेट होगा CH3C(OOCH3). अब आपसे पूछा है कि वाई एसिटाइल क्लोराइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर, क्योंकि स्पीड और रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ फास्टली दैट लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल। तो जो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप अटैच होगा हियर कार्बोनिल ग्रुप से उतना ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है वो सबस्ट्रेट। सो पहले समझ लेते हैं, देन विल गो एंड विल मूव टू सम कंक्लूजन। जैसे यहां पर चार ऑप्शंस दिए हैं, पहला है द एस्टर इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड देन द एसिड, दूसरा द क्लोराइड आयन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन मिथॉक्साइड, द एसिड क्लोराइड इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड देन एस्टर, द मिथॉक्साइड आयन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन द क्लोराइड। सो मैं आपको ऑलरेडी एक क्लू दे चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन और खास तौर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करती है कि कितना जल्दी लीविंग ग्रुप लीव करता है मॉलिक्यूल को। इसका मतलब हमारे पास जो लीविंग वाले ग्रुप है, हिंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट यहां काम नहीं करेगा, लीविंग वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो अभी उसको समझते हैं, देन विल गो टू सम ऑप्शन। अगर यहां पे हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कैसे करने वाला है, दैट अटैक्स हियर ऑन दिस पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन एंड दस दिस बॉन्ड मूव्स हियर, तो बनेगा क्या, आप देख सकते हैं ऊपर नेगेटिव आ चुका है, यहां न्यूक्लियोफाइल और यहां सीएल। अब ये वाला बॉन्ड यहां और ये यहां से रिमूव हो जाएगा और फिर से ये CH3C(OO) और यहां न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और सीएल लीव हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां मिथॉक्सी ग्रुप भी लीव करेगा ठीक इसी मैकेनिज्म से। लेकिन अब हमें कंपेयर करना है कि सीएल ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है या OCH3, यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, अभी हमें कंपैरिजन करना है। क्लियर? सो हम ये जो कंपैरिजन कर सकते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एसिड के पीकेए वैल्यू से हम कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी डू इट, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। यहां आपको सीक्वेंस दिया है लीविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ का सीक्वेंस के लीविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है। तो यहां पर आप देखेंगे जो आयोडाइड आयन है वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन HSO4 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फेट आयन, देन वाटर, देन फ्लोराइड अमोनिया, देन OH नेगेटिव आयन, देन हमारे पास आता है मिथॉक्सी ग्रुप, ओके, एंड दैट इज हियर एज मिथॉक्साइड आयन। सो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, अब आप यहां से समझ गए हैं कि जो Cl नेगेटिव है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू CH3O नेगेटिव आयन, देन NH2 नेगेटिव, देन H नेगेटिव एंड देन हमारे पास एक कार्बन आयन आया है। क्लियर? अभी ये जो सीक्वेंस हमने ली है ये सीक्वेंस है लीविंग ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है, मतलब इसका हुआ कि जो लास्ट वाला जो हमारे पास ये कार्बन आयन है जो स्पीसीज है ये सबसे पुअर लीविंग ग्रुप है। तो ध्यान देंगे सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो वो सबसे अच्छा बेस होने वाला होता है। क्लियर हो गई बात? और हमने यहां वैल्यू लिया है जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप डिक्रीज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उनका पीकेए वैल्यू
इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इस कार्बन आयन का पीकेए वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, इसका पीकेए तो मैक्सिमम होगा लेकिन ये सबसे पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होने वाला है, सबसे पुअरेस्ट एंड सबसे अच्छा बेस होने वाला है। दिस इज द एक्सीलेंट बेस। क्लियर? सो फ्रॉम दिस सीरीज, फ्रॉम दिस डिस्कशन, इट इज क्लियर दैट इन एसिटाइल क्लोराइड सीएल ग्रुप इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू द मिथॉक्सी। दैट्स व्हाई दैट गिव्स द फास्टर रिएक्शन अंडर SN2 mechanism or nucleophilic substitution mechanism. Clear? So, हमारा option ठीक होने वाला है यहां B option. Here, the chloride ion is better living group than the methoxide ion. And by that explanation, we can compare the tendency of living groups in other molecules also. Clear? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द गिब्स फेज रूल के लिए चार ऑप्शंस आपके पास हैं। होल्ड्स ओनली फॉर सिस्टम विद मोर देन द कंपोनेंट्स, मींस मोर देन वन कंपोनेंट्स। एंड नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट्स दैट अ मैक्सिमम ऑफ थ्री फेज कैन एग्जिस्ट इन वन कंपोनेंट सिस्टम, डज नॉट काउंट फेज कंपोजिशंस एज intensive variables, and the fourth option is does not count pressure and temperature as intensive variables. So pehle samajh lete hain Gibbs phase rule kya hai, then we'll go to some when then we'll reach some conclusion. So phase rule kya hai dekhte hain. Phase rule kya hota hai, simply it states that when equilibrium between any number of phases is influenced only by temperature, pressure and concentration, then the number of degree of freedom of the system is related to number of component and phases by the formula that is called phase rule. F plus P is equal to C plus 2. ध्यान देंगे, F क्या होता है? Degree of freedom होता है, P number of phases होता है, C क्या होता है? Components होता है, okay? और डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ये वो कॉन्सेप्ट होता है, ये वो वेरिएबल होता है जो डिटरमाइन करता है उस फेज की स्टेट को। मतलब क्या है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या करेगा, अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो दैट कन्वर्ट्स इनटू गैसेस फेज। So, temperature decides के वो फेज किस स्टेट में रहने वाली है, मतलब वो सॉलिड में रहेगी, सॉलिड फेज में रहेगी या वो गैसेस फेज में रहेगी। क्लियर? सो अब यहां पर आपको जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से अगर मैं यहां इसको एक्सप्लेन करूं और आप देखें, एक कंपोनेंट है और वो एक कंपोनेंट का जो सिस्टम है वो तीन फेजेस में मैक्सिमम पाया जा सकता है, तीन फेजेस में। जैसे सिंपल एग्जांपल यहां स्टैंडर्ड लिया, जैसे वाटर, वाटर वन कंपोनेंट सिस्टम है लेकिन ये तीन फेजेस में पाया जा रहा है, जैसे आइस, लिक्विड एंड गैसेस, वेपर वाली फॉर्म। तो यहां पर तीन फेजेस हैं, वन कंपोनेंट है। अगर इस फॉर्मूले में हम थ्री फेजेस और वन कंपोनेंट का वैल्यू रखते हैं, सो कंपोनेंट हुआ हमारे पास थ्री, सॉरी कंपोनेंट हुआ हमारे पास वन प्लस टू इज इक्वल टू फेज कितना हुआ हमारे पास थ्री वाटर का, तो वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम के वो सिस्टम कितने वेरिएबल पर डिपेंड करने वाला है। तो आप देखेंगे यहां पर हमारे पास क्या हुआ, यहां पर वन प्लस कॉम्पोनेंट वन है और प्लस टू हमारे पास यहां पर फॉर्मूले में है, दैट इज, तो यहां पर हो गया थ्री, तो एफ इज एफ प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास जीरो हुआ, यानी कि वहां पर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको डिसाइड नहीं कर सकती है। ठीक है? सो यहां पर आप देख सकते हैं अ सिस्टम कंटेनिंग ओनली लिक्विड वॉटर इज वन फेज, अगर लिक्विड और वेपर है तो दो फेज हो गई, अगर लिक्विड वेपर और हमारा
सॉलिड है तो वो हमारा थ्री फेज हो गई. लेकिन तीनों फेजेस में क्या चीज कॉमन है? केवल वाटर कॉम्पोनेंट, जो सब्सटेंस वहां है वो कॉमन है. इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वन कॉम्पोनेंट सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम. सो दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी ऑफ द वेरिएबल्स. सो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स हियर जीरो. क्लियर? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि जो एक हमारे पास कॉम्पोनेंट का सिस्टम है वो मैक्सिमम थ्री फेजेस में पाया जा सकता है. ये इसका कंक्लूसिव रिमार्क आया जिस पर फेज रूल दिया गया और जो ये फेज रूल उसको सेटिस्फाई करता है. सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेडिक्ट्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्री फेजेस कैन एग्जिस्ट इन वन कॉम्पोनेंट सिस्टम. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं. डिपेंड करती है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर, या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व, या सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम. किस पर डिपेंड करती है? तो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव को का मतलब होता है टुगेदर, और लाइगेयर का मतलब होता है लिंक. वो वाटर की या लिक्विड की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो आपस में एक कॉमन फैक्टर से लिंक होगी. जैसे समझने के लिए आप समझेंगे कि अगर सपोज मैंने यहां NaCl का सॉल्यूशन लिया है, तो NaCl के जो सॉल्यूट्स पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे और बाकी जो है यहां पर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा. तो आप देखेंगे ये हमारे पास ऊपर जो सरफेस पर हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, हमारे पास यहां कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उसके ऊपर हमारे पास सरफेस पर NaCl पार्टिकल्स आ गए. सो ये तो हुआ वाटर मॉलिक्यूल और यहां पर ये हुए आपके NaCl वाले आयंस पार्टिकल्स, सपोज हमने लेट कर लिया, या आप कोई भी ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज के पार्टिकल्स. और दूसरा हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन नहीं है, वो प्योर वाटर है हमारे पास. अब प्योर वाटर में सरफेस पर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, ठीक है, और दोनों को अगर एक टेम्परेचर पर हमने ट्रीट किया है तो आप देखेंगे कि यहां जो सॉल्यूशन पार्ट है सॉल्यूशन से कम वेपर्स बनती हैं और वाटर से ज्यादा वेपर्स बनती है एट द गिवन टेम्परेचर. इसलिए क्या होगा, यहां से जो प्योर वाटर है उसमें क्या हुआ, सारे वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर है. सो द नंबर ऑफ एस्केपिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर वो मैक्सिमम होंगे, वो ज्यादा होंगे. अगर मैं यहां काउंट करके लिखूं तो हमारे पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस हैं, और यहां पर मैं काउंट करूं तो यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेसेस हैं. तो जब आपको दोनों को सेम टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या होता है, यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाएंगे, यहां पे 7 मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाएंगे. तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन से जो बनने वाला वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा. इसलिए कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. अब ये डिपेंड किस पर कर रही है, ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो यहां पर डाले हुए हैं. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट हम बढ़ा देंगे तो जो सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स अभी 3 हैं उसके बाद कम हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 रह जाएंगे, मतलब डिक्रीज हो जाएंगे. तो एज द सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेस, यानी कि एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक वेपर प्रेशर जो मैंने आपको समझाया है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा. ओके ठीक है. अब ये जो प्रॉपर्टी हुई वेपर प्रेशर वाली, ये किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर. अब बॉइलिंग पॉइंट इससे अफेक्ट होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. सो अब आप देखेंगे ये प्योर लिक्विड है, यहां पर 7 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और जल्दी से 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा और जल्दी से बॉयल होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्योर वाटर होगा वो कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा. गॉट इट? यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा,
इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन इसके उल्टा सॉल्यूशन में अगर देखें तो सॉल्यूशन में जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, यानी कि वो इसके कंपैरिजन में कम वेपर प्रेशर बनाएंगे और इसको इसलिए हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा टू गेट द मोर वेपर्स टू गेट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके दैट्स व्हाई। अभी जैसे अभी हमने पहला केस पढ़ा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl लाइक ग्लूकोज दैट वेपर प्रेशर बिकम्स लोअर और लोअर हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अभी आपने यहां पर देखा कि दो प्रॉपर्टी एक ही कॉन्सेप्ट से मैच कर रही है, वो क्या है, क्या है वो, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना कम उसका वेपर प्रेशर होगा और उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट को कनेक्ट करें तो उतना ही कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसीलिए दीज आर द प्रॉपर्टीज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर लिंक्ड विद अ कॉमन फिनोमेना दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं क्योंकि वेपर प्रेशर घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। सो दीज आर ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हियर। और इसके साथ साथ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेगा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दैट कम्स बाय द फिनोमेना फ्रॉम द फिनोमेना कॉल्ड ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस। तो ये समझ लीजिए ये फिनोमेना अगर ना हो तो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, क्योंकि हर एक सेल दूसरे सेल को जो ट्रांसफर करती है, जो भी मटेरियल ट्रांसफर करती है, जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है। क्लियर? सो ये हुआ हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो मेन बात क्या निकल के आई कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। सो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है? बेसिसिटी डिपेंड करती है कि कितना जल्दी या कितने एफिशिएंटली कोई एटम या कोई स्पीसीज कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, उसको हम बेसिसिटी कह रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास पायरोल है, इंडोल है, पिरिडीन है एंड पिपरिडीन है। तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, देन विल कंपेयर देयर बेसिसिटी। स्ट्रक्चर देखिए, सो यहां पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिख रहा है दिस इज पिपरिडीन जो के टोटली हमारे पास एलिफेटिक अमीन है, मतलब इसके पास जो लोन पेयर है वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, कहीं लोकलाइज नहीं होने वाला और ये एरोमेटिक भी नहीं है। क्लियर? अब पिरिडीन आप देखेंगे तो पिरिडीन में आप देखेंगे यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर हैं ये यहां पर काउंट नहीं होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हल्के एरोमेटिक होते हुए भी ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू दी पायरोल, क्योंकि पायरोल भी यहां एरोमेटिक ही होता है। देखेंगे ध्यान से, क्योंकि दो तो पाई बॉन्ड यहां हुए तो यहां पर हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये यहां नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये काउंट होते हैं, यहां नहीं होते हैं। क्लियर? अगर हकल एरोमेटिसिटी देखें तो यहां पर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो काउंट नहीं होंगे और यहां काउंट होंगे, क्यों, ध्यान से देखेंगे, यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और नाइट्रोजन यहां पर जहां पर डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा, समझ लीजिए उसके लोन पेयर काउंट नहीं होने वाले। दूसरी सिमेट्री की बात बताऊं वो ये होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मॉलिक्यूल के सेम प्लेन में है। सपोज ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा पिरिडीन का मॉलिक्यूल है जो कि प्लेनर है एरोमेटिसिटी के हिसाब से, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे एक ही प्लेन में है। अब एक ही प्लेन में है तो वो डीलोकलाइज नहीं होंगे। डीलोकलाइजेशन के लिए कंडीशन क्या है कि पेपर प्लेन पे यानी कि एक ही प्लेन में हमारा मॉलिक्यूल है तो जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे पाई ऑर्बिटल्स होते हैं
और ऊपर एंड नीचे मॉलिक्यूल के डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रिडीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो इस मॉलिक्यूल के प्लेन में है। यहां पर नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल के प्लेन में नहीं है, वो मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो यहां पर भी 6π इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास है यहां पर नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज जो हमारे पास है इंडोल। ये हमारे पास है इंडोल, और इंडोल में आप देखेंगे यहां पर 6π यहां हो गए और 1π बॉन्ड यहां है, तो 8π। क्लियर। और यहां पर इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आप देखें नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड नहीं है, तो यहां पर जब ये इन्वॉल्व होंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए यहां पर, पाई बॉन्ड हो गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 पाई बॉन्ड हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे पास, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हुए। और जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए तो एरोमेटिक सिस्टम के हिसाब से या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 6 हो या 10 हो या 14 हो, यह हकल एरोमेटिसिटी को बताता है, 4n+2। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर एलिफेटिक अमीन होगा तो वो एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होने वाला है, क्योंकि उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज्ड घूमने वाला नहीं है। ओके, तो पहला तो समझ लीजिए पिपरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है, उसके बाद पिरिडीन आएगा, क्योंकि पिरिडीन एरोमेटिक है, उसके बावजूद भी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज नहीं है, ठीक है, सॉरी उसके इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज हैं और वो दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पाइरोल, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, और एरोमेटिक होते हुए भी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे इस पे घूम रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, तो ये इसीलिए पाइरोल इज लेस बेसिक देन पिरिडीन। ओके, अब बात करते हैं यहां पर जो हमारे पास नेक्स्ट रिंग है, दैट इज कॉल्ड इंडोल। अब इंडोल में इंडोल कम बेसिक क्यों है, इससे ये बात समझनी है, क्योंकि जो फिनाइल रिंग यहां लगा हुआ है, देखिए ये जो फिनाइल रिंग है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह से काम कर रहा है, यानी कि यहां पर डीलोकलाइजेशन कुछ ज्यादा होने वाला है, और ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा तो बहुत कम अवेलेबिलिटी होगी यहां इलेक्ट्रॉन्स की नाइट्रोजन पर टू गिव टू द अदर मॉलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई द सीक्वेंस हियर बिकम्स पिरिडीन इज मोर बेसिक देन, सॉरी पिपरिडीन इज मोर बेसिक देन पिरिडीन, एंड पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पाइरोल, पाइरोल इज मोर बेसिक देन इंडोल। क्लियर, तो अभी हम सीक्वेंस देखते हैं, और नाउ आप समझ चुके हैं कि किसका सीक्वेंस और क्या सीक्वेंस होने वाला है। सो पिपरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि एस सबसे ज्यादा होगा, नेक्स्ट उसके बाद था पिरिडीन, पिरिडीन उससे कम होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था पायरोल यानी कि पी, और उसके बाद हमारे पास था इंडोल दैट इज क्यू। अब यू कैन सेलेक्ट योर आंसर, आंसर आपके पास है एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड लिया है और SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, तो क्या होगा, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। सपोज ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, यहां पर मैंने दो आई हैव टेकन द सेम ग्रुप्स, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आप थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, यहां पर CH3 ले लीजिए, यहां पर H है और यहां पर आप C2H5 ले लीजिए, अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। क्लियर, तो यहां पर जब SN2 मैकेनिज्म होगा तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ओके, सो कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि जो OH है दैट कम्स फ्रॉम द बैक साइड, इट कम्स फ्रॉम द बैक साइड एंड दिस मूव्स हियर, इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन स्टेट जहां पर कार्बन पेंटावैलेंट होता है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर OH का बॉन्ड बन रहा है और Cl का बॉन्ड टूट रहा है,
तो ये पेंटावेलेंट कार्बन हमारे पास आ जाता है, और जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है अभी देखिए समझने के लिए कि दोनों तीनों ग्रुप लेफ्ट साइड में दिखाए हुए हैं मैंने, अब ये राइट साइड में हो जाएंगे, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टोटली इन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। ओके, सिंपल एग्जांपल से समझ लें, एक सीधा सीधा सा कि जो मिथाइल क्लोराइड आपके पास है जब OH पीछे से अटैक करने वाला है यहां से, तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, अभी आप देखेंगे कि ये CH3 इधर उल्टे हो जाएंगे और यहां कॉन्फ़िगरेशन भी इन्वर्ट हो जाएगा, टोटली इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। क्लियर? अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, सो अगर डी फॉर्म से स्टार्ट करें यानी कि डेक्स्ट्रो से स्टार्ट करें तो लीवो मिलने वाला है, और लीवो से स्टार्ट करें तो वो हमें डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट मिलने वाला होता है, तो यहां पर कंप्लीट इन्वर्जन होता है SN2 में। क्लियर? सो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है देखते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है आपके लिए, सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 में आपको कंपैरिजन किया, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में देखूं यू कैन रेफर दिस, अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री कंपेयर करूं तो SN1 दैट प्रोसीड्स विद द रेसिमाइजेशन विद लिटिल इन्वर्जन एंड व्हाइल SN2 प्रोसीड्स विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। ओके, और यहां पर आप देखेंगे जो SN1 मैकेनिज्म है यानी कि दैट इन्वॉल्व्स द कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, लेकिन कार्बोकेटायन फॉर्मेशन यहां इन्वॉल्व नहीं होता SN2 में, वहां क्या इन्वॉल्व होता है, वहां पर पेंटावेलेंट कार्बन के ट्रांजिशन स्टेट आती है, ये SN2 सिंगल स्टेप में हो जाता है, SN1 टू स्टेप्स में हो जाता है। क्लियर? सो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, दैट इज कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, किस में हो जाता है, दैट इज SN2 रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन समझेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस में जाएंगे कि क्या सीक्वेंस होने वाली है। एक्चुअली अगर कन्फर्मेशन की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन चार कन्फर्मेशन में मिलता है, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट एंड हाफ चेयर फॉर्म, चार फॉर्म्स होती हैं, तो उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, कैसे हम उनको अलाइन करेंगे देखते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन में। यहां ये पिक्चर आपको ली गई है फ्रॉम द सोर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द गूगल टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय दिस। सो अभी आप यहां पे देखेंगे हमारे पास ये चेयर फॉर्म है जिसका एनर्जी आप देख रहे हैं जीरो एनर्जी है, ये जीरो एनर्जी का लेवल है यहां से, और यहां एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है, तो जीरो लेवल है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, उसके बाद यहां से फ्लिपिंग हो रही है, यहां से फ्लिपिंग हो गई, फ्लिपिंग होकर ये हाफ चेयर में आ जाता है, और हाफ चेयर की जो यहां पर एनर्जी है आप देखिए दैट इज कॉल्ड 10 किलो कैलोरी पर मोल, यहां पर मैक्सिमम होने वाली है। अब उसके बाद जब इसको फिर से फ्लिप किया जाता है तो ये बोट फॉर्म में आ जाता है जहां पर एनर्जी 6.5 किलो कैलोरी है, उसके बाद जब नीचे जाता है तो यहां पर आती है ट्विस्टेड बोट फॉर्म जिसका एनर्जी जो है 5.5 किलो कैलोरी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसके जो फ्लिप एनर्जी डायग्राम में जो बोट फॉर्म है वो कितनी बार मिलती है या हाफ चेयर फॉर्म है वो कितनी बार मिलती है, ठीक है, बिटवीन टू चेयर्स फॉर्म्स। तो देखिए ये चेयर है, फ्लिपिंग होते हुए फ्लिपिंग हुआ, देन हमारे पास हाफ चेयर आया, फिर फ्लिपिंग हुआ, फिर जो है बोट फॉर्म आया, उसके बाद फिर से हाफ चेयर आया, और देन फिर चेयर में रिवर्ट हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं यहां जीरो एनर्जी हुई इसकी, उसके बाद एनर्जी आ रही है ट्विस्ट बोट की, ट्विस्ट बोट से ज्यादा एनर्जी आ रही है आपकी बोट की, और बोट से ज्यादा आ रही है चेयर की, तो सीक्वेंस क्या हो जाता है, एनर्जी सीक्वेंस हो जाता है चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ट्विस्टेड बोट से, दिस इज ट्विस्टेड बोट, देन बोट फॉर्म एंड देन हाफ चेयर। क्लियर? फर्दर समझ सकते हैं यहां, नेक्स्ट जो पिक्चर आपको ली गई है वहां आपको प्रॉपर एनर्जी से आपको दिखाया गया है, दिस इज शोइंग एनर्जी मिनिमा एंड दिस इज शोइंग एनर्जी मैक्सिमा, मैक्सिमम मतलब ज्यादा एनर्जी है 6.5 और 10 किलो कैलोरी पे, और यहां पर मिनिमम हमारे पास जो आ रही है वो दो एनर्जी लेवल आ रहा है, तो जीरो है या 5.5 जो ट्विस्टेड बोट का है।
Clear? Next, you can refer this slide. Now, due to hydrogen-hydrogen interaction in these conformations, the bond length and the bond angle vary. Change hota hai slightly from their nominal values. तो रीजन क्या है कि वो ऐसे चेंज होता रहता है, चेयर फॉर्म से इस तरह से हो जाता है या बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म में आ जाता है, बोट फॉर्म अनस्टेबल होता है, चेयर फॉर्म स्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता है. और दैट कम्स इन द रेस्पेक्ट, अगर कंफर्मेशन की बात करें तो स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स वाली कंफर्मेशन यहां पर काउंट होती है. क्लियर? जो कि स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन Eclipse form. फिर वहां पर कॉन्सेप्ट आता है आपका dihedral angle और dihedral या torsional strain का. Clear? तो जो eclipse जो हमारी form होती है, उसमें जो torsional strain होता है, वो ज़्यादा होता है. Torsional strain ज़्यादा होता है और angle कम होता है. लेकिन staggered form में angle ज़्यादा होता है, torsional और dihedral angle ज़्यादा होता है और torsional strain कम होता है. Clear? So उसके बेस पर यहाँ different conformations यहाँ पर मिलते हैं. तो हमारे पास यहां ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है? चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्विस्टेड बोट, एंड ट्विस्टेड बोट से ज्यादा स्टेबल है किससे? बोट फॉर्म से. क्लियर? और बोट फॉर्म किससे ज्यादा स्टेबल होगी? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ चेयर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्रॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन. तो ये बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लिंक्ड है ये. और यहां पर आप देखेंगे जो वेपर प्रेशर, लॉफिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, और यहां पर ये बता रहा है एक्चुअली वेपर प्रेशर के कंसर्न में कुछ बता रहा है. पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे कंक्लूजन पे. अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं. सो वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड डेफिनेट टेम्परेचर के बीच में, रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड डेफिनेट प्रेशर के बीच में, या वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कोई रिलेशन देने वाला होता है. अभी देखते हैं, समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो यहां पे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन रिलेट्स द लेटेंट हीट, यानी के हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर. सी, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है. क्लियर? इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है. और दूसरी फॉर्म फॉर्मूले की हम देख सकते हैं यहां पर, लॉग पी टू बाई पी वन डेल्टा एच वी वेपर प्रेशर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाता है टी टू माइनस टी वन, एंड दिस इज 2.303 आर टी वन टी टू. तो ये भी हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है और ये भी है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, कहीं भी कोई भी इक्वेशन आपसे देखे पूछ भी सकता है कि कौन सी इक्वेशन क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है और ये रिलेशन किसके बारे में बीच में दे रही होती है, वेपर प्रेशर है ना, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में, टी के बीच में दे रही है. क्लियर? सो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन ठीक करेक्ट होने वाला है यहां पर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है, विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि विलियमसन ether synthesis produces ethers by reacting and. तो यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है. alcohol with metal react करता है, alkoxide with metal, alkoxide with alkyl halide, then alkyl halide with aldehyde. So पहले समझते हैं, then you can understand, you can click your own कि कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है. पहले समझेंगे उसके बाद देखते हैं. This is Williamson synthesis जो आपको quote किया गया है यहां पर. ये हमारे पास tertiary alcohol हमारे पास है और ये NH के साथ sodium hydride के साथ reaction करा THF में, tetrahydrofuran में, और ये हमारे पास बना है sodium butoxide anion बना, ये salt बना है जहां पर sodium butoxide के अंदर जो मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है? ब्यूटॉक्साइड मिलने वाला है जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा. अब अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करा रहे हैं CH3I से, आई अभी आपको बताया कि द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है. तो जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमें सीधा सीधा सा ईथर मिलेगा. कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा. क्लियर? लेकिन एक केस और समझिए इसका, जहां पर यहां तो आप देखने देखा कि ये जो एनायनिक स्पीसीज है, जो न्यूक्लियोफाइल है,
यहां पर ये टर्शियरी ग्रुप है, ओके, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर अटैक कर रहा है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो जाए और ये यहां पर प्राइमरी एल्कोक्साइड आयन हो जाए, तो क्या ईथर ही बनेंगे? लेट्स सी। सो यहां पर अगर मेरे पास ये टर्शियरी है, अगर ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और यहां पर रिएक्ट करवा रहे हैं हम प्राइमरी एल्कोक्साइड आयन से, ये हमारे पास है। अब इसको जब रिएक्ट करा रहे हैं तो अभी ये यहां पर ईथर नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बेस की तरह से काम करेगा। दूसरी बात, क्यों करेगा? क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है, जो बड़े बड़े स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रल कार्बन को, जो कार्बन यहां पर है, तो ये इस आयन को वहां तक पहुंचने नहीं देगा। अब क्या होगा, जब ये सामने से अप्रोच करना चाहेगा तो इस आई और इसमें रिपल्शन होगा, तो ये सामने से नहीं आ पाएगा। अब पीछे से अटैक करेगा तो पीछे से बल्की ग्रुप्स हैं, इस कार्बन तक पहुंचने नहीं देंगे। अब ये क्या करेगा, अब ये बेस की तरह से बिहेव करेगा। नाउ इट विल पिक प्रोटोन फ्रॉम दिस मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप से पिक करने वाला है। तो यहां पर कैसे पिक करेगा, ये यहां से पिक करेगा, और कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। तो ये यहां से H पिक करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, क्लियर। तो अभी हमें क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड C, और ये हमारे पास ये एल्कीन हमें मिलता है एज अ रिजल्ट, क्लियर। दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन, समझ लीजिए। और यहां पर अगर हमारे पास एल्कोक्साइड आयन है और दूसरा हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है, तो वहां क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस होगा। लिमिटेशन की अलग से बात करी गई है, यहां पर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और स्टेरिकली हिंडर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड टेंड टू अंडरगो E2 एलिमिनेशन, दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। देन एल्कली फिनोक्साइड में अंडरगो कार्बन एल्काइलेशन इन एडिशन टू एक्सपेक्टेड ऑर्थो एल्काइलेशन, क्लियर। सो रेफरेंस भी आपको दिया गया है, विल सी द आंसर कि क्या आंसर होने वाला है। तो हमारा आंसर होगा एल्कोक्साइड विद एंड एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होगा विलियमसन सिंथेसिस में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असाइन द करेक्ट टर्म डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप टू द फॉलोइंग टू आइसोमर्स। यहां पर आपको दो आइसोमर्स दिए गए हैं, ये दोनों आइसोमर क्या होंगे, क्या ये एनेंशियोमर्स होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे या रेसिमिक मिक्सचर होंगे। तो पहले समझ लेंगे इन टर्म्स के बारे में। तो देखिए पहले एनेंशियोमर्स क्या हुआ, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनवर्सनल आइसोमेरिज्म शो करने वाले होते हैं एनेंशियोमर्स। जैसे यहां पर दो मॉलिक्यूल आपको दिखाए गए हैं, बीच में मिरर लगाया हुआ है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका मिरर इमेज है। आप देखेंगे HOH ये ग्रुप इधर है, तो अभी ये इधर दिखे HOH इधर ही दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। सो ये तो दोनों मिरर इमेजेस हैं, बट आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। सो द मॉलिक्यूल्स विच आर मिरर इमेजेस बट नॉट सुपर इम्पॉसिबल, दीज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, दीज आर दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, व्हेन द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स इज नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे यहां पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं और ये मिरर इमेज नहीं है, तो अगर मैं मिरर लगाता हूं यहां पर बीच में, तो ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज होते तो ये जो OH है ना, ये इधर दिखाई देता, ये भी OH इधर दिखाई देता, क्लियर। सो ये मिरर इमेज नहीं है। दूसरा, ये अगर हम इसको सुपर इंपोज करना चाहें तो ये सुपर इंपोजेबल भी नहीं है, तो इसलिए ये वाली टर्म हमारी होती है डायस्टीरियोमर्स, क्लियर। सो द अबव मेंशन्ड स्ट्रक्चर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हेंस ये हमारे डायस्टीरियोमर्स होंगे। ये जो पेयर होगा ये एनेंशियोमर होगा। अभी समझते हैं बची हुई दो टर्म्स हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, तो ऐसे तो नहीं है, दोनों एक जैसे तो नहीं है, स्ट्रक्चर में पूरा एक जैसे नहीं है,
दूसरा racemic mixture. Racemic mixture क्या होता है? Racemic mixture जहाँ पे equal forms of DLN form होता है, वो optically inactive होता है. Clear? So अभी आपको मैंने enantiomers और diastereomers के बारे में समझाया. तो diastereomers में क्या होता है? Mirror image नहीं होते. तो अगर मैं यहाँ mirror लगाता हूँ दोनों के बीच में, तो क्या ये mirror image दिखाई देते हैं? Mirror image होते तो ये OH इधर दिखाई देता, ये भी OH इधर दिखाई देता. इसका मतलब ये दोनों pair of molecules mirror images नहीं है, and they are not even superimposable. Superimposable भी नहीं है. तो यहाँ पर ये क्या होने वाले हैं? Definitely diastereomers ही होने वाले हैं. तो यहाँ पर हमारा ये option करेक्ट होगा. Clear? Next question है हमारे पास, R plus glyceraldehyde. R plus glyceraldehyde क्या होता है? वो levorotatory है. Rotates plane polarized light in a counterclockwise direction. Then rotates plane polarized light in a clockwise direction. तो और ये क्या ये racemic है? पहले समझ लेंगे R plus glyceraldehyde कैसा दिखता है. So अब ये हमारे पास glyceraldehyde का R plus structure है and this is S minus structure है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्लोकवाइज रोटेट करने वाला है लाइट को, और ये यहां पर एंटी क्लोकवाइज रोटेट करने वाला है. क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन फर्दर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कुड बी प्लस और माइनस. डायरेक्शन तो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है. दैट प्लस इंडिकेट्स द रोटेशन टुवर्ड्स राइट एंड माइनस इंडिकेट्स द रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट. डेक्स्ट्रो मींस राइट and it rotates the plane polarized light to the right direction. Levorotatory का मतलब होता है कि left. Left का मतलब हुआ कि rotates the plane polarized light to the left. Glyceraldehyde exhibit two types of optical rotation यहां पर, और वो rotation कौन से होंगे? हमारे पास D-glyceraldehyde, R-glyceraldehyde और plus-glyceraldehyde. और इसी तरह से ये L ग्लिसरलडिहाइड, S ग्लिसरलडिहाइड और माइनस ग्लिसरलडिहाइड. तो ये क्या करता है? इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है. क्लियर? सो ऑप्शन क्या होने वाला है यहां पर? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. फॉलोइंग रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आपको देखना है. ये फिनॉल है, AlCl3 CsCl3 है. तो समझ जाइए ये फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है. क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है पहले समझते हैं. यहां पर फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है तो क्या प्रोडक्ट होगा? देखिए ऑक्सीजन पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे ही यहां मूव करेगा ये आगे मूव कर जाएगा. तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा होता है. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. R प्लस ग्लिसरलडिहाइड हमारे पास है, ये लिवोरोटेटरी है, रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और racemic इज racemic ये आपसे पूछा है. तो पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लिसरलडिहाइड का. दिस इज द स्ट्रक्चर. R प्लस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस एंड S नेगेटिव स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस. सो लेट्स टेक फर्दर एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. यहां पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दैट कुड बी प्लस और माइनस हो सकता है. प्लस इंडिकेट्स रोटेशन टूवर्ड्स राइट एंड माइनस इंडिकेट्स रोटेशन टूवर्ड्स लेफ्ट. जो टर्म यहां पर डी और एल आती है हमारी, वो क्या आती है? डेक्स्ट्रो मतलब होता है डेक्स्टर मीन्स राइट एंड डी और प्लस फॉर्म इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट. इसके ऑपोजिट वहां पर जो लिवो रोटेटरी होता है दैट इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड लिवो मीन्स लेफ्ट. And it just opposite to the D form. Clear? So it is represented as L with or by minus sign. Clear?
बात समझेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट है. ग्लिसरलडिहाइड एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. क्या रोटेशन होते हैं देखेंगे. पहला है डीग्लिसरलडिहाइड, इसको या आर ग्लिसरलडिहाइड या प्लस ग्लिसरलडिहाइड कहते हैं. और ये क्या करता है, रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो यू माइट हैव गॉट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड दिस एल ग्लिसरलडिहाइड और एस ग्लिसरलडिहाइड और माइनस ग्लिसरलडिहाइड रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो हमारा ऑप्शन क्या ठीक होने वाला है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है यहां पर, दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आर प्लस ग्लिसरलडिहाइड. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. फॉलोइंग रिएक्शन आपके सामने है, यानी कि ये फिनॉल है आपको दिख रहा है और ये AlCl3 CHCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है. तो यू कैन आइडेंटिफाई द रिएक्शन हियर, दिस इज फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. तो पहले इसका प्रोडक्ट देखते हैं, फिर विल गो टू द ऑप्शंस. यहां पर आपको दिए हुए हैं मेटा क्लोरोफिनॉल बनेगा, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल बनेगा, या ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलुइन एंड पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन बनेगा, या मेटा हाइड्रोक्सीटोलुइन बनेगा. सो पहले समझते हैं. नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है यहां फिनॉल और वहां पर रिएजेंट आपके हैं फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन है. सो होता क्या है यहां पर, सबसे पहले बनेगा इलेक्ट्रोफाइल. कैसे बनेगा, CH3Cl से AlCl3. यहां पर जो ये लुईस एसिड की तरह से काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. क्या करेगा यहां पर, ये जो Cl है ये यहां पर अटैक कर जाएगा. अभी हमारे पास क्या बनेगा, CH3 पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इस पर बोन सा दिखाएगा और ये Cl नेगेटिव, ये हमारे पास स्पीसीज बनेगी. तो यहां पर AlCl3 का काम हुआ इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन और उसको कैरी करना. इलेक्ट्रोफाइल को कैरी करता है अप टू दी बेंजीन रिंग. सो दूसरा स्टेप हमारे पास हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. तो यहां पर देखेंगे कि ये जो OH है जो यहां पर प्लस R की तरह से काम करेगा, तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा. अभी किस पर अटैक करने वाला है, CH3+ और ये हमारे पास AlCl3 नेगेटिव हमारे पास होगा AlCl3. अब ये AlCl4 हो चुका है. तो जैसे ही यहां गया तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा कार्बन पर जो पॉजिटिव कार्बन है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव पर. तो अभी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कि ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये तो डबल बॉन्ड हो चुका है, यहां पर इस ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन से लग चुका है मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन भी यहां अवेलेबल है. क्लियर. और विद द रिलीज ऑफ AlCl4 नेगेटिव आयन, विद द रिलीज ऑफ AlCl4 नेगेटिव आयन, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट में ये ही एनायन आएगा, हाइड्रोजन को पिक करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये वापस ऑक्सीजन पर जाएगा. तो हमारे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट मींस द रिएक्शन कंप्लीटिंग इन 3 स्टेप. 1 इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड द लास्ट स्टेप इज एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन. तो यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बना, एच जा चुका है, ये डबल बॉन्ड हो चुका है, यहां CH3. और ठीक इसी तरह से मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहां पर पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, CH3 पैरा पोजिशन पर लग जाएगा OH के. ठीक है, एक और प्रोडक्ट ये बनेगा इसी मैकेनिज्म के थ्रू, वहां पर पैरा पर अटैक होगा. अब निकलेगा क्या यहां से, ये जब अटैक करेगा तो HCl, यहां से H मिला था और एक Cl यहां है वो निकल जाएगा, प्लस AlCl3 जैसा यूज हुआ था वैसा ही निकल जाएगा. मतलब AlCl3 यहां पर कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को कैरी करने का काम कर रहा है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प कर रहा है. क्लियर. और अभी आप समझ चुके हैं कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बना है, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन, यहां पर प्रोडक्ट बनने वाला है. क्लियर. फर्दर एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन यू कैन गो थ्रू. एंड नाउ दिस सी will be our product, जो हमने समझा है अभी, ortho hydroxytoluene and para hydroxytoluene हमारा बनने वाला है. Next question देखते हैं, that is Lucas reagent. तो Lucas reagent क्या है, पहले वही समझ लेंगे.
क्वेश्चन देखते हैं. ल्यूकास रेजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइक एसिड. दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू क्लासिफाई अमाइंस ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट. ल्यूकास रेजेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस फ्रॉम मिक्सचर रेस्पॉन्सेस. अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा गया है. तो यहां पर ऑप्शंस आपके पास हैं. पहले समझ लेते हैं ल्यूकास रेजेंट क्या है, क्या करता है, क्या उसका काम है, देख लेंगे. सो ल्यूकास रेजेंट क्या है, सिंपली HCl विद ZnCl2 है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ठीक होने वाला है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, HCl ZnCl2 के साथ में है. और स्पेशली आपको बताऊं अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है. तो हमारे पास जैसे टर्शियरी अल्कोहल है, जब टर्शियरी अल्कोहल को हम ये रेजेंट डालते हैं तो यहां पर बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, बहुत जल्दी एल्काइल हैलाइड बन जाता है. एंड दैट इज शोन बाय द टर्बिडिटी. और टर्बिडिटी वहां जब आ जाती है तो इसको कहते हैं, अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाए यहां पर तो समझ लीजिए वो टर्शियरी अल्कोहल है. तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा यहां पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में क्या बना है, टर्शियरी एल्काइल क्लोराइड बन जाता है. और इसी प्रोडक्ट की हैलाइड की बनने की वजह से यहां तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है. तो इस तरह से हम टर्शियरी अल्कोहल को टेस्ट करते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल अगर है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो आप देखेंगे यहां पर टर्बिडिटी तो आती है लेकिन इमीडिएटली नहीं आती है, आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स टर्बिडिटी आती है. तो यहां पर आप पहचान सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को. और जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है वो ये रिएक्शन नहीं देता नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ये रिएक्शन नहीं देता. इस तरह से ल्यूकास रिएजेंट को यूज किया जा सकता है और जाता है किसके लिए, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. क्लियर. सो फर्दर एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन देखते हैं. यहां पर जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट, ये तो बेसिक लिया गया है. और प्राइमरी अल्कोहल जैसे सॉल्यूशन रिमेंस कलरलेस यानी कि वो रिएक्शन नहीं देता, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये रिएजेंट थोड़ी देर बाद टर्बिडिटी देता है और टर्शियरी अल्कोहल के साथ बहुत जल्दी टर्बिडिटी देता है यानी कि उसको टेस्ट देता है. इसका मतलब हुआ कि ल्यूकास रिएजेंट इज नॉट कंसर्न विद द अमीन्स, ये किससे कंसर्न है, अल्कोहल से कंसर्न है. तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या होने वाला है देखेंगे. तो ल्यूकास रिएजेंट का फर्स्ट तो ऑप्शन ठीक है क्योंकि वो HCl ZnCl2 के साथ में है लेकिन इट इज नॉट कंसर्न्ड विद अमाइंस. एंड हियर जो R ऑप्शन हमारा है यहां भी डिटरमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस में दिया हुआ है, यहां भी इससे लिंक नहीं है. इसका मतलब हमारे पास P तो राइट ऑप्शन है, ये दोनों फॉल्स ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है. तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन यहां करेक्ट होने वाला है जो क्लियरली स्टेट करता है कि P इज ट्रू, ऑफ कोर्स P इज ट्रू, और Q एंड R दोनों ऑप्शन फॉल्स हैं क्योंकि ये अमीन से कोई मतलब नहीं रखता है. किससे मतलब रखता है, अल्कोहल से मतलब रखता है, उनके डिस्टिंग्विश करने में काम आता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N इन हकल रूल व्हेन अ कंपाउंड हैज 9 pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 9 pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. 9 pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, पेयर का मतलब क्या हुआ, 9 × 2 दैट इज 18 pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है. कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहां पे, ठीक है. तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है. तो पूछा गया है कि यहां पर n का वैल्यू क्या होगा. अब हकल्स रूल में n कहां से आया, हकल्स रूल बताता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल के अंदर वो कितने होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. तो इसकी हेल्प से हम निकालते हैं कि उसके अंदर n का वैल्यू क्या है. तो हकल रूल में सीधा सा रिवीजन ले लें एक बार कि साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, कॉन्जुगेट सिस्टम होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहां पर n 0 से शुरुआत होता है, n = 0, 1, 2, 3 इस तरह से हकल रूल में.
तो यहां पर हमारे पास सीधा सीधा है 4n plus 2 is equal to pi electrons. Pi electron कितने हैं? 18 है हमारे पास. यहां से n का वैल्यू आता है 4. क्लियर? इसका मतलब n का वैल्यू का 4 का मतलब हो कि वहां पे 4 रिंग्स अवेलेबल है. अब ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट होने वाला है, n की वैल्यू 4 आने वाली है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. बेस्ट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन. फॉलोइंग कन्वर्जन क्या है? देखिए, ये तो हमारे पास एल्काइन है, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन है, और यहां पर प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है CH3CH3, यानी कि हमारे पास ट्रांस एल्कीन बन रहा है. आपके पास चार ऑप्शन है, लिथियम लिक्विड अमोनिया में, रेनिनिकल LiLH4 एंड लिंडार्स कैटलिस्ट. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी है. तो यहां पर लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया भी यूज होता है, और ये यूज क्या कहां होता है? बिर्च रिडक्शन में. कहां होता है? बिर्च रिडक्शन में. स्पेशल खास तौर से बात ये है कि यहां पर ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होने वाली होती है, क्योंकि ये एक यहां एल्काइन को एल्किन में बदलता है, और ये केवल एल्किन कौन सा देता है? ट्रांस एल्किन देता है, सिस एल्किन नहीं देता है. क्लियर? तो ये जो बिर्च रिडक्शन है, ये सोडियम के साथ भी किया जा सकता है. लिथियम सोडियम दोनों के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ किया जाता है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस बिर्च रिडक्शन. रेनिनिकल यहां कुछ नहीं करेगा, रेनिनिकल करेगा, लेकिन वो उसके साथ हाइड्रोजन चाहिए, तब उसका हाइड्रोजनेशन करेगा. नेक्स्ट हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ये यहां पर कोई रोल नहीं करने वाला है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? ये अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है. नेक्स्ट लिंडार्स कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? H2PdBSO4 पॉइजन विद क्विनोलिन और सल्फर, वो लिंडार कैटलिस्ट होता है. और ये क्या करता है? ये एल्काइन से तो रिएक्ट करता है, लेकिन इससे ट्रांस एल्किन नहीं बनाता, सिस एल्किन बनाता है. इंपॉर्टेंट बात है. तो यहां से सिस एल्किन मिलेगा लाइक दिस, using by using Lindlar's catalyst. Trans मिलेगा by using lithium with liquid ammonia. और वो कौन सा question, वो कौन सा reaction है? That is Birch reduction. So further explanation देखते हैं. Birch reduction यहाँ cyclic rings में भी होता है, और यहाँ पर cyclic rings में यहाँ आप देख रहे हैं 1,4,1,4 addition of hydrogen हो जाता है, 75-80% प्रोडक्ट मिलता है. नेक्स्ट हमारे पास एल्काइन का भी एग्जांपल लिया हुआ है, कि एल्काइन को सोडियम मेटल के साथ भी यहां किया जा सकता है बिर्च रिडक्शन में. तो यहां पर देखिए, एक तरफ पहले एनायन बनता है, फिर वो एक्चुअली रोटेट हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, और उसके बाद ही हमें ट्रांस कॉन्फिगरेशन मिलता है. एनायन अडॉप्ट्स ट्रांस कॉन्फिगरेशन यहां पर. क्लियर? तो इसलिए ट्रांस प्रोडक्ट ही बनता है. तो हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है बिर्च रिडक्शन रिएक्शन. यहां पर ऑप्शन क्या होने वाला है हमारे लिए? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन. हमें नेम रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले नेम रिएक्शन का रिएजेंट आप याद कर लें, वो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है. तो यहां पर फिनोल की रिएक्शन जब हम CHCl3 और NaOH के साथ में कराएंगे, या KOH के साथ में कराते हैं, तो हमें यहां मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सैलिसिलिडाइड मिल रहा है. ओके, कौन सी रिएक्शन है? पहले देख लेते हैं ऑप्शन. परकिन रिएक्शन, हेलवोलार जेल्स की रिएक्शन, रिमर्टीमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. तो होता क्या है परकिन रिएक्शन में? क्या करते हैं परकिन रिएक्शन में? यहां पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसको एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है. उसके बाद हेलवोलार जेल्स की रिएक्शन में क्या होता है? हेलवोलार जेल्स की रिएक्शन में अल्फा कार्बन का हेलोजिनेशन हो जाता है. ये हमारे पास होता है CH3COH, एसिटिक एसिड है. इसको जब आप रिएक्ट कराते हैं X से, H2 विद रेड फास्फोरस कराते हैं, तो X ग्रुप कहां लग जाता है? अल्फा कार्बन पर लग जाता है. तो हमारे पास अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं हेलवोलार जेल्स के रिएक्शन से, HVZ शॉर्ट में कहते हैं. होफमैन ब्रोमाइड सिंपली अमाइड से अमीन बनता है. क्लियर? और अब हमारे पास बचा है यहां पर समझने के लिए परकिन रिएक्शन, जो मैं बता चुका हूं, और रिमर्टीमैन. तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन देखते हैं.
रिमरटीमैब क्या है? यस, यहां पर जो रिएजेंट यूज होते हैं वो CHCl3 एंड NaOH होता है और प्रोडक्ट हमारे पास सैलिसिलिकाइड ही मिलता है. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो परकिन रिएक्शन है, मैंने आपको बताया बेंजल्डिहाइड विद एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और हमें यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलता है, सिनेमिक एसिड यहाँ पर हमें मिलता है. तो सिनेमिक एसिड बनाने का प्रॉपर बढ़िया मेथड जो है वो हमारे पास परकिन रिएक्शन ही है, जिसमें सबस्ट्रेट क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यूज हो रहा है. क्लियर? ओके, सो ऑप्शन क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए, करेक्ट ऑप्शन होगा रिमरटीमैब रिएक्शन, क्योंकि जो रिएजेंट हमारा है वो CHCl3 NaOH यहां पर होता है, प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिकाइड. ध्यान करिए सैलिसिलिक एसिड भी बनता है, कहां बनता है, कहां बनता है, ये आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यहां पर आप जो सैलिसिलिक एसिड है वो किस रिएक्शन में बनता है, किस नेम रिएक्शन में बनता है और क्या उसके रिएजेंट्स होते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग, आपके पास है टर्म्स एंड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हियर अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज टू मोनोसैकेराइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फिगरेशन अराउंड अ स्पेसिफिक कार्बन एटम. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को मैच करना हमें राइट साइड में, हमारी जो टर्म्स दी हुई है वो है एपीमर्स, पायरानोज एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, देन एनोमर एंड देन एनेंशियोमर. तो पहले इन टर्म्स को समझते हैं, देन विल मैच द फॉलोइंग. पहली टर्म हमारी है एपीमर्स. तो एपीमर्स क्या है, किसी सिंगल कार्बन के अराउंड एच और OH का कॉन्फिगरेशन चेंज हो इन शुगर्स, स्पेशली इन मोनोसैकेराइड्स, वहां पर उनको हम एक दूसरे का एपीमर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में अगर टू कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर अगर एच और OH का कॉन्फिगरेशन चेंज है तो उसको हम कहते हैं मैनोज, अगर फोर्थ कार्बन पर चेंज है तो उसको कहते हैं गैलेक्टोज. सो वी से मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, वाइल दिस C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज. क्लियर? सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स लुक लाइक डी ग्लूकोज एंड हियर इज डी गैलेक्टोज. तो आप देखेंगे फोर्थ कार्बन पर चेंज है एच और OH का कॉन्फिगरेशन, यहां पर फोर्थ में एच राइट साइड में है और एच लेफ्ट साइड में है, यहां ऑरिएंटेशन चेंज हो गया है, इसलिए C4 एपीमर इज ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज एंड C2 अगर कार्बन सी सेकेंड कार्बन पर अगर एच OH का चेंज होगा तो वो मैनोज होता है. क्लियर? नेक्स्ट टर्म समझते हैं पायरानोज एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर. सो पायरानोज एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर दीज आर साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स और द कार्बोहाइड्रेट्स प्रपोज बाय होवर्थ, जहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है. ओपन चेन स्ट्रक्चर लाइक दिस प्रपोज बाय फिशर, तो इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पायरानोज एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर प्रपोज बाय होवर्थ, hence called as होवर्थ projection. आगे देखते हैं. Next is यहां पर आपको दिया हुआ है pyranose form and furanose form of the structure here, open chain structure and cyclic structure के साथ में. तो यहां पर alpha beta forms दिया हुआ है pyranose का, यहां भी alpha beta forms दोनों को plus करके यहां पर दिखाया हुआ है, मतलब दोनों फॉर्म्स हो सकती हैं, पायरानोज फॉर्म अल्फा बीटा में हो सकती है, फ्यूरानोज भी अल्फा बीटा में पाई जाती है, दो फॉर्म्स में पाई जाती है. तो यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने है एनोमर्स. नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ शुगर, साइक्लिक फॉर्म्स का डायस्टीरियोमर्स है और सिमिलर मॉलिक्यूल्स डिफरिंग इन देयर कॉन्फिगरेशन अराउंड C1 कार्बन. इंपॉर्टेंट बात है, केवल कंडीशन है C1 कार्बन, जिसको हम एरोमेटिक कार्बन भी कहते हैं, अगर वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है यहां पर आपका C1 कार्बन में, स्पेशली इन एल्डो शुगर लाइक ग्लूकोज, या C2 कार्बन पर चेंज हो जाए जैसे 2 कीटोज, जैसे हमारे पास होता है फ्रक्टोज, सेकेंड कार्बन पर कीटो ग्रुप होता है, तो सेकेंड कार्बन पर जो कीटो ग्रुप है वो फ्रक्टोज में, तो सेकेंड कार्बन पर चेंज है कॉन्फ़िगरेशन तो वो हमारा कीटोज है, और फर्स्ट कार्बन पर अगर चेंज है तो वो
एल्डोज यानी कि ग्लूकोज। तो यहां पर दो फॉर्म्स देखने को मिलती है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। क्लियर। सो जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होती हैं ग्लूकोज की, वो कैसे होती है, कैसे दिखाई देता है? यहां पर आई हैव ड्रॉन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो फिशर प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, थर्ड कार्बन पर जो OH होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। क्लियर। सो अब यहां होवर्थ ने इसकी साइक्लिक फॉर्म को बताया, तो कैसे बताया और इसकी साइक्लिक फॉर्म कैसे आती है यहां पर और एनोमर्स कैसे बनते हैं उसको देखना है। क्लियर। सो फिफ्थ कार्बन पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहां पर इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्सीजन पर जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को पिक कर लेता है। क्लियर। और ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो फिफ्थ कार्बन है हमारा, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फिफ्थ कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहां पर फर्स्ट कार्बन वाला जो कार्बन ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, उस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक और ये इस ऑक्सीजन पर अभी एच लग जाएगा और ये ऑक्सीजन यहां पर इस कार्बन और फर्स्ट कार्बन, फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो ये कैसा दिखाई देगा, इट लुक्स लाइक अब इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को पिक कर लिया है Now, bond बना पांचवे कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में। क्लियर। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिल रही है और यहां पर ये जो साइक्लिक फॉर्म है ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं देता, मतलब इसका जो CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं होता, वो कार्बन ग्रुप के टेस्ट नहीं देता है। क्लियर। अब ये इस स्ट्रक्चर को साइक्लिक फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान देंगे इसको ऐसे कर देंगे और ये OH आप देखेंगे तो वो नीचे की साइड में होगा। तो हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, लाइक दिस। यहां ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये OH नीचे की तरफ आ जाएगा, ये भी OH नीचे की तरफ होगा लेकिन यहां पर OH ऊपर की तरफ होगा। दिस इज कार्बन नंबर 1, this is 2, this is 3 और ये कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 4 पे भी OH नीचे, H ऊपर और यहां पर H नीचे और ऊपर आ जाएगा CH2OH। ये H और CH2OH ये जो हमारे पास है यहां, this is CH2OH। क्लियर। तो ये हमारे पास ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर बनी। अब ध्यान देंगे अगर फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे की तरफ है यानी कि इस स्ट्रक्चर में राइट में है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है और अगर ये राइट में ना होके OH लेफ्ट में हो जाए फर्स्ट कार्बन पर तो ये बीटा फॉर्म होती है फर्स्ट कार्बन पर। अगर ये OH लेफ्ट में है तो ये वाली फॉर्म हमारे पास हो जाती है बीटा डी फॉर्म। जब हम इसको बनाएंगे तो फर्स्ट कार्बन पे यहां पर OH नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, अभी ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। जब हम इसको ऐसे करके दिखाएंगे और यहां पर फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में आप ऑक्सीजन दिखाएंगे। क्लियर। तो सिंपली स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, यहां ऑक्सीजन है और ये OH अब ऊपर जाएगा, H नीचे और यहां पर सेम कॉन्फिगरेशन जो हमारे अल्फा वाली स्ट्रक्चर में है, नीचे OH होगा, ऊपर यहां पर OH होगा, यहां OH होगा। क्लियर। सो दिस इज ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर और ये एनोमर्स होते हैं। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर फर्स्ट कार्बन पर HOH का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो वो एनोमेरिक फॉर्म्स होती हैं और वहां उस फर्स्ट कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो यहां पर ग्लूकोज ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। दिस इज ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर। क्लियर। सो दिस इज अबाउट एनोमर्स एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है बची हुई है एनेंशियोमर। और एनेंशियोमर क्या होता है, दीज आर मिरर इमेजेस बट
नॉट सुपर इम्पॉसिबल। तो अभी चारों टर्म्स आपने समझ ली हैं, अब उनको मैच करते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो डेफिनेटली क्या मैचिंग होने वाली है, एनेंशियोमर। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, ये क्या होती हैं, अल्फा बीटा साइक्लिक फॉर्म्स क्या होती हैं, यहां पर एनोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, दैट यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास आया टू मोनोसैकेराइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फिगरेशन अराउंड अ स्पेसिफिक कार्बन एटम, दैट आई टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड एपीमर, तो ये एपीमर को मैच करेगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दैट आई टोल्ड यू वहां पर जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वो क्या आती है, पाइरानोज स्ट्रक्चर एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, तो यहां पर ये मैच कर जाएगा सेकंड ऑप्शन से, पाइरानोज एंड फ्यूरानोज। सो फर्स्ट पी से मैच कर रहा है फोर, तो पी से फोर कर रहा है, क्यू क्यू से मैच कर रहा है यहां हमारा थर्ड, यहां पे सेकंड है, ये नहीं है, सेकंड ऑप्शन देखेंगे, पी से मैच कर रहा है फोर, ठीक है, क्यू से मैच कर रहा है थ्री, क्यू से मैच कर रहा है थ्री, ओके, आर से मैच कर रहा है आई, आर से मैच कर रहा है आई, मतलब यहां पे फर्स्ट नंबर है, दिस इज एपीमर। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एस से मैच कर रहा है कौन, यहां पर सेकंड वाला पार्ट, तो एस इज सेकंड, तो हमारे पास बी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, क्लियर। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, this is all about the questions which has come in GPET 2016 and this is the explanation from my side and this will be very very helpful for you